रात को भवन कुछ ऐसा दिखता है, मुझे ऐसा लग रहा है हाथा खाल करके, क्योंकि मामला बहुत टाइट हो चुका है। भैया रुक जाओ, इसको रोको 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 रोको। 2.5-3 घंटे हम लोग लाइन में लगे ताकि अंदर पहुंच सके। सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु एंड आज मतलब जय माता दी बोल रहे हैं हम लोग वैष्णो देवी में, और आई गेस हमारा ऑटो वाला भैया भी आ चुका है। हम लोग कल यहाँ पे आए थे, नहीं आज सुबह यहाँ पे आए थे, और आज हम लोग चढ़ाई करने वाले हैं, और थोड़ा सा डर भी लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरी सीटी गुल होने वाली है, बट जो भी होगा देख लेंगे। आई एम होपफुल कि आज का दिन आप जब मेरे साथ बताओ तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। मैं वो बोल रहा हूँ, इधर भीड़ काफ़ी है, घोड़े से जाना है। अच्छा घोड़े पे जाना, फिर इधर से ही जाना। अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी पर्ची कटवाने, और यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर कट रहा है, यहाँ से आपकी पर्ची कटेगी तभी आप ऊपर जा पाओगे। सब लोग कैसे टीम कर रहे हैं। मुझे मिला है आइडेंटिटी कार्ड, और ये हमारी आइडेंटिटी है, हमारा आधार कार्ड इन्होंने लिया, फोटो खींची, और उसके बाद ये कार्ड मिला है, और एडवाइजेबल है कि कार्ड आप पहन लो, तो हमने पहन लिया है। और अभी दो रास्ते हैं, एक नया वाला एक पुराना वाला। पुराने वाले में आप घोड़ा बग्गी ये सब जाता है, और नए वाले में ऐसा कुछ भी नहीं जाता, तो हम लोग नए वाले से जा रहे हैं। मेरे को थोड़ा डाउट है कि मैं कितना चल पाऊँगी, क्योंकि प्लान है कि हम अर्थकुआरी तक साथ में जाएंगे, और उसके बाद देखेंगे आगे क्या होगा। और एक्साइटेड, थोड़ा डर भी लग रहा है, बट जय माता दी आई गेस हो जाएगा। तो अभी बज रहा अराउंड 11 AM, और हम लोग ऑल सेट एंड रेडी है, हम लोग नए रास्ते से जा रहे हैं, और रास्ता लुक्स वेरी वेरी क्लीन, ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्या ही है। अगर आप पुराने रास्ते से जाओगे तो उसमें बहुत ज़्यादा घोड़े, गोबर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, कीचड़ और पग्गी वाले। आई थिंक ये पक्का रास्ता भी है, तो फिर चलने में भी आसानी रहेगी। इसमें स्लाइड वाले, तो मतलब अगर आप सीढ़ी वीढ़ी से नहीं जाना चाहते तो आप यहाँ से जा सकते हो। मम्मी क्या एक्सपेक्टेड है कितनी देर में पहुँचेंगे हम, जैसे हम जिन थकेलों के साथ आए हो। ये थोड़ा लंबा रास्ता है, हम उधर से गए शॉर्ट से, 1.5 किलोमीटर लंबा है, जहाँ से घोड़ा वगैरह, बट ये साफ है, इधर से घोड़ा नहीं मिलेगा, पालकी वगैरह कुछ नहीं मिलती है। बीच में मेरे पैर बच गए तो क्या करेंगे हम, तो फिर देखते हैं अर्धकुआरी से मिलेगा घोड़ा अगर इसके पाँव में कुछ तो होगा। तो थोड़ी हम एनर्जी ले रहे हैं, कॉफी वॉफी पी रहे हैं, फिर हम निकलेंगे, और फिर हम अपनी जय माता दी वाली जर्नी शुरू करेंगे। शुरू कर दी, अब देखते हैं कितने बजे पहुंचेंगे। और मेरा सांस चढ़ने लगी है, और मेरा सांस इसलिए भी चढ़ गया, मेरा कैमरा इन्होंने ले लिया, उसमें तो छोटू गोप्रो था, तेरी सांस तो साथ में चढ़ी दिया, मेरा गोप्रो ले लिया, तो वापस इसी रास्ते से आना पड़ेगा। और हम सोचे वो बैग प्रशांत का टिका था, प्रशांत के पास बहुत भारी बैग है, दीक्षा जब सबसे ज्यादा फुर्ती में, दीक्षा प्लीज पीछे आए। दो किलोमीटर आए हैं बस हम, मुझे ऐसा लग रहा है आधा घंटा चले, क्योंकि मामला बहुत टाइट हो चुका है, इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है, मतलब मुझे लग रहा है आज घमोरी हो जाएगी। हमने ठंड के लिए रखा था, बट फिलहाल तो गर्मी लग रही है, मोटा जैकेट पहन के आए, इतने सारे कपड़े लाद के आए, बट ठीक है, देखो क्या होता है, इतनी स्ट्रेट है तो धूप नहीं लग रही। आपका क्या हाल है मम्मी, थक गए हैं। अभी हम लोग बीच बीच में रेस्ट कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब मुझे लग रहा है मुझे आज के दिन घमोरियाँ हो ही जाएंगी। आई नो एग्जैजरेशन है, बट थकावट का लेवल बहुत ज़्यादा है, और ये नए रास्ते से आए हैं, हाँ लोग भी कम है, तो मतलब ऐसे वो जो चीयर अप फैक्टर होता है वो थोड़ा सा कम है, बट यहाँ पर काफ़ी सुंदर बना रखा है, ऐसे पीछे से रेस्ट स्टॉप सा बना रखा है, बिल्कुल पार्क गार्डन टाइप, हाँ तो सही है। अभी वी हैव 3 more kilometers टू गो टिल अर्धकुंवारी, और उसके बाद फिर आ गया, तो मतलब इट्स अ लॉन्ग डे टुडे। सीन बहुत अच्छा है, हमें जहाँ जाना है वो वाली जगह है, नहीं आधा रास्ता तो यहाँ है, तो अभी हम लोग ऐसे जिग 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 ब्लू ब्लू लाइन दिख रही है, उससे ऊपर जगह आएगी, साधा हमने कवर कर लिया है। 1 to 10 कितने थके हुए हो? 6। मम्मी हाँ, 1 से 10 के बीच में कितने थके हुए हो? 4 तो थके। दीक्षा आप, दीक्षा तो अभी
चलते आएंगे उसके आगे, मैं तो घोड़े से जाऊंगी, मेरे बस की नहीं है। तो बाइक बहुत भारी है, हम लोग पता नहीं क्यों लाए, और हमने नया ट्राई किया है, बैग ऐसे लटक के जा रहा है। और आई गेस अब हम 20-25 मिनट से पहुंच जाएंगे, सांस भी चढ़ रही है बीच बीच में, और पीछे से ऐसे ये भी आ रहे हैं, और इससे आप जा नहीं सकते, इससे सामान जा सकता है, तो हम पैदल जाएंगे। इसमें हमें बैठने को मिल जाता है, कितना मज़ा आता है, ऐसा होने का नहीं है लेकिन ठीक है। अभी बचे अराउंड 2 और हम लोग पहुँच गए अर्थकुआरी, और वो जो वाला रास्ता है, जो पुराना रास्ता है, वो ये है, और हम इस रास्ते से आए। इस रास्ते के एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हैं, जो मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। अभी हमारी टीम से 2 लोग आगे चले गए, उनको हम ढूंढ रहे हैं, जब वो मिलते हैं तब बात करते हैं। सम लोन और एक इंसी टू पीपल ओके आ रहे हैं। लोग यहाँ पे थोड़ा वेट कर रहे हैं, हमने अपना नंबर लगा लिया है। हमारा नंबर कब है? हमारा नंबर है 396, अभी चला 340। वे लोग बोल रहे हैं 6 घंटा लगेगा, अर्थकुआरी में हमेशा वेट होता ही है। तो अभी हम ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, अगर हम नंबर पे पहुँचे तो हम दर्शन करेंगे, अदरवाइज हम घर जाएंगे। यहाँ पे एक मस्त गुफा होती है जहाँ पे दर्शन होते हैं, मगर उसके उसमें आई थिंक लिमिटेड नंबर ऑफ लोग अलाउड होते हैं, तो फिर नंबर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब लोग वेट कर रहे हैं, और अभी हमारा ये हो गया तो हम ऊपर चलते हैं। ओके, टायर्ड लेवल फ्रॉम 1 to 10 प्रशांत? 5। दीक्षा? 6 घंटा। दीक्षा 25 हो गई है। तो अभी जो बाकी आधा रास्ता है, हम लोग घोड़े से जा रहे हैं। दिस इज मी एंड दैट इज प्रशांत, और मुझे थोड़ा सा डर लगा था, बट अभी थोड़ा बेटर लग रहा है। बट भैया रुक जाओ, इसको रोको 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 रोको, ये थोड़ा मदमस्त घोड़ा है, इसको थोड़ा कंट्रोल करने में दिक्कत है, बट ठीक है, आई थिंक जब तक भैया तब तक ठीक है। 2 and 4 कितने चक्कर लगा लिए हैं घोड़े ने? पहला चक्कर है। तो पहुंच गए यहाँ पे, और हम लोग मस्त घोड़े से आए, घोड़े से आ गए, तो हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए, और बाकी जो हमारे 2 साथी हैं वो कहाँ मिलेंगे? वो लोग दूसरे रास्ते से आ रहे हैं, क्योंकि घोड़े का रास्ता अलग होता है और नॉर्मल रास्ता अलग होता है, तो वो दूसरे रास्ते से आ रहे हैं, और अब वो हमें मिल जाएंगे थोड़ी देर में, हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि हम बहुत जल्दी आ रहे हैं। ये सो द डील इज कि अब हम यहाँ तक हमने किया, अब यहाँ से भैरव से बिल्कुल नीचे हम लोग खुद जाएंगे, बट वी थॉट यू नो अगर हम एक दिन में इतना नाप लेंगे तो मतलब मेरे तो पैर सूज जाएंगे, तो हमने नहीं किया। और ठीक है, जब वो मिलते हैं तब मिलते हैं आपसे। अभी जस्ट फिनिश आर दर्शन, और अंदर एकदम टनल होती है, इसलिए घूमना ही पड़ता है। बहुत सारे लोग थे, ऑलमोस्ट हमें 2.5-3 घंटे हम लोग लाइन में लगे ताकि अंदर पहुंच सके। ऑल्सो हम लोग जब आए थे अराउंड 6 o'clock, उस समय आरती होती है, और आरती में 5 से 7 के बीच में दर्शन बंद हो जाते हैं, तो फिर लाइन बढ़ती जा रही थी, तब लाइन बिल्कुल भी नहीं थी। ये यहाँ पे ऐसे बॉक्सेस होते हैं जिसमें अपना सामान रखा था, सो वो सॉर्टेड है। अभी आज इतना वी आर वेरी 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 हंग्री, सो शूज वूज पहन गए हैं, जैकेट एकदम टक कर लिए हैं, अभी कुछ खाते हैं, फिर हमें ऊपर भी जाना है। रात को भवन कुछ ऐसा दिखता है, तो मतलब आप ऐसे जाओगे, फिर अंदर बहुत सारे टनल्स होते हैं, फिर उसके बाद दर्शन होते हैं, सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। अभी यहाँ से निकलते हैं। सो दिस इज अराउंड 1:10, वी हैव रीच्ड भैरव बाबा, और अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, यहाँ आते आते सिटी एकदम गुल हो गई, बट हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हम लोग बस उतरने वाले हैं, थोड़े से टायर्ड हैं, पूरा दिन निकल जाता है यहाँ पे पता भी नहीं लगता, बट अभी घर जाके मिलते हैं। आई थिंक व्लॉग में बस उतरना है, सी यू टुमारो, जब होटल पहुँचेंगे तब मिलते हैं। अभी बजे 8:30, हम लोग घर जा रहे हैं, और वी आर एन अमेजिंग टाइम, मजे आए आपको? तब हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं और हमारे पैर एकदम सूज चुके हैं, सो वील बी लाइक वी नीड रेस्ट, तो वो हमें करना पड़ेगा फॉर सम टाइम। फ्यू सजेशंस कि हम लोग नए वाले रूट से गए थे, आई विल सजेस्ट कि वो रूट शायद आप अवॉइड कर सको तो कर लेना, आई वोंट रिकमेंड इट, क्योंकि एक बहुत लंबा स्ट्रेच है और वहाँ पे कम लोग होते हैं, जैसे एक वो फील आती है ना वो पुराने वाले रूट से, वो सब नहीं होता। ऑफकोर्स वहाँ पे घोड़े वोड़े नहीं जाते, तो थोड़ा क्लीन होता है, बट इट्स लाइक 1.5 किलोमीटर्स प्लस, और थोड़ा सा वो बोरी
और उस समय काफी लोग पहुंचते भी हैं। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3 घंटे वेट किया था अंदर जाने के लिए और बिल्कुल नंगे पैर, तो पैर सूज जाते हैं, तो वो आप मत करना। या तो उससे पहले पहुंचो या उसके बाद पहुंचो, उसके आसपास मत पहुंचना। सजेशन नंबर 3, अगर आपके पास कैमरा है या ऐसा कुछ चीज है तो उसे मत लेके जाना, होटल में रख लेना। मतलब ऑफकोर्स ये तो पता होगा आपको लैपटॉप वगैरह नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि तो भारी होता है। दूसरा अलाउड नहीं होता। तो मेरे पास एक छोटा सा GoPro कैमरा था, वो भी उन्होंने रख लिया।